आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से क्वेश्चन आंसर टेक्निक या प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा कैसे वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे प्रश्न उत्तर में भाग लेकर वह अच्छा गेन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने देखा तथा पाया कि कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ना तो कभी कोई प्रश्न पूछते हैं और ना ही कभी किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। वह हमेशा निष्क्रिय बैठे रहते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि वह प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है प्रश्न उनका गलत हो और शिक्षक उनसे नाराज ना हो जाए। उन्हें लगता है कि यदि वह उत्तर देंगे तो हो सकता है उनका उत्तर गलत हो और शिक्षक उनसे नाराज ना हो जाए या बच्चे उन पर न हंसें। इसी डर के मारे वह कभी भी प्रश्न उत्तर विधि में भाग नहीं लेते हैं तथा कक्षा में हमेशा निष्क्रिय बने रहते हैं तथा सीखने में भी वह पिछड़ जाते हैं। वह सीख भी नहीं पाते हैं तथा उसके उलट दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा प्रश्न पूछते हैं तथा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उनमें एक कंपटीशन होता है कौन सबसे ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे। इस प्रकार के छात्र हमेशा आगे बढ़ते हैं, वह हमेशा सीखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा लेते हैं तथा शिक्षकों में भी प्रिय होते हैं। तो आज हम प्रश्न उत्तर तकनीक के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे यह तकनीक का प्रयोग करके एक छात्र अपनी उन्नति कर सकता है, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। प्रश्न उत्तर तकनीक एक शिक्षण और सीखने की विधि है जिसमें शिक्षक या मार्गदर्शक प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थियों से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। यह तकनीक विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है क्योंकि यह विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है और उनके समझ को गहराई से जांचने का अवसर प्रदान करती है। आइए आज हम इसी तकनीक के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रश्न उत्तर तकनीक विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बनने के बजाय सक्रिय भागीदार बनाती है। जब विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वे स्वयं अपनी समझ और ज्ञान को व्यक्त करते हैं। यह प्रक्रिया उनकी स्मरण शक्ति और संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करती है। इस प्रकार से एक्टिव पार्टिसिपेशन करके छात्र बहुत कुछ सीख लेते हैं तथा उन्हें अपने ज्ञान का भी पता चल जाता है कि उन्होंने उस टॉपिक को कितना समझा तथा कितना समझ पाए। इस प्रकार से वह अपने संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करते हैं। नंबर दो, समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यह तकनीक विद्यार्थियों को तर्कसंगत सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। जब विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तो वे विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचते हैं और अपनी तार्किक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इस विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है तथा वह विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने को भी विकसित करते हैं। इस प्रकार से वह ये जान लेते हैं कि वह अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर तीन, ज्ञान की पुष्टि, वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। प्रश्न उत्तर तकनीक के माध्यम से शिक्षक यह जांच सकते हैं कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु को कितनी अच्छी तरह से समझा है। इससे शिक्षक को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में विद्यार्थियों को अधिक मदद की आवश्यकता है और इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी यह पता चलता है कि उन्हें किसी क्षेत्र में कितना ज्ञान उनके पास है और कितने अधिक सीखने की उन्हें ज़रूरत है। नंबर चार, प्रेरणा और आत्मविश्वास, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। इस तकनीक से विद्यार्थियों को सही उत्तर देने पर प्रोत्साहन मिलता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नियमित प्रश्न उत्तर सत्र उनके आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और उन्हें और अधिक सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर पाँच, सक्रिय सीखने का माहौल, एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रश्न उत्तर तकनीक कक्षा में एक सक्रिय और गतिशील सीखने का माहौल बनाती है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखती है और उन्हें अपने विचारों को साझा करने का अवसर देती है जिससे समूह में चर्चा और सीखने की प्रक्रिया को बल मिलता है। इस प्रकार से इस तकनीक के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, आपस में वह चर्चा भी करते हैं और इस प्रकार से उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड का भी ज्ञान हो जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान भी वह पा सकते हैं। नंबर छः, तत्काल फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को तुरंत फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थियों का उत्तर गलत होगा तो वह शिक्षक तुरंत सही उत्तर बता सकते हैं और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को उसका फीडबैक
शिक्षक तुरंत दे सकते हैं और विद्यार्थी को भी पता चल जाता है कि उसके प्रश्न का उत्तर सही था या गलत था और उसका सही उत्तर क्या है। नंबर 7, अनुकूलनशीलता एडेप्टेबिलिटी। प्रश्न उत्तर तकनीक को किसी भी विषय या कक्षा स्तर पर अनुकूलित किया जा सकता है। यह विधि विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा आदि सभी विषयों में समान रूप से प्रभावी है। इस प्रकार से यह सभी विषयों को सीखने में मदद करती है। नंबर 8, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव कम्पिटिटिवनेस। इस प्रकार से छात्रों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बनती है। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं तथा छात्रों में यह होता है कि कौन सबसे ज़्यादा उत्तर दे और सबसे सही उत्तर दे। इस प्रकार से यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को पैदा करती है तथा छात्रों को इसके लिए प्रेरित भी करती है। नंबर 9, सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मविश्लेषण। इस तकनीक के माध्यम से छात्र अपनी गलतियों और कमियों को पहचान सकते हैं। जब वे उत्तर नहीं दे पाते या गलत उत्तर देते हैं तो वे अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों को अपनी गलतियों और कमियों को सीखने का मौका मिलता है तथा वह इससे सीखते हैं। नंबर 10, समझ में सुधार इम्प्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न उत्तर के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु की समझ में गहराई आती है। यह उन्हें जानकारी को केवल रटने के बजाय वास्तव में समझने में मदद करता है, क्योंकि हमने देखा कि छात्र रटने की कोशिश करते हैं तथा क्रैमिंग के द्वारा ही वह सोचते हैं कि उससे उनका अच्छे अंक लाने का रास्ता क्लियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से अगर वह प्रश्न उत्तर करते हैं तो उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और वह विषय को समझने की कोशिश भी करते हैं। प्रश्न उत्तर तकनीक छात्रों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि उनके आत्मविश्वास, समस्या समाधान कौशल और विश्लेषणात्मक सोच में भी मदद करती है। शिक्षकों को इस तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि छात्रों का पूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके, छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार से शिक्षकों को भी प्रश्न उत्तर विधि को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पूछना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और वह अपनी समस्याओं का समाधान कक्षा में ही पा सकें। इस प्रकार से उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी तथा समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर टेक्निक एक सबसे सर्वोत्तम विधि है जिसके द्वारा कक्षा में एक अच्छा वातावरण बनाया जा सकता है, एक सक्रिय माहौल बनाया जा सकता है जिसमें सभी छात्र आगे बढ़ चढ़कर प्रश्न उत्तर तकनीक में भाग लें और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें तथा शिक्षक को भी इसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपने विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सके। आज मैं एक ऐसे ही छात्र की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने प्रेरणा के बल पर आगे बढ़कर अपने जीवन में सफलता अर्जित की। एक छोटे से गाँव में जहाँ शिक्षा के साधन सीमित थे, वहीं एक छोटे से बच्चे का नाम रमेश था। रमेश का सपना था कि वह बड़ा होकर एक शिक्षक बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता किसान थे, उनका गुजारा मुश्किल से होता था। रमेश का गांव शहर से बहुत दूर था और गांव में केवल एक ही स्कूल था जिसमें पढ़ाई के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन रमेश की लगन और उसकी माँ की प्रेरणा ने उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। रमेश ने अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया। वह रोज़ बहुत सुबह जल्दी उठता, खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटाता और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से वापस आकर वह अपनी किताबों में डूब जाता। उसकी माँ ने अपने थोड़े बहुत पैसों से एक लालटेन खरीदी थी ताकि रमेश रात को भी पढ़ सके। रमेश का स्कूल आने जाने का रास्ता भी आसान नहीं था। उसे 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बारिश हो या धूप हो या ठंड हो, रमेश कभी स्कूल में गैर हाजिर नहीं हुआ। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर हैरान हो जाते थे। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसने कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। गाँव के शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते थे, उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने रमेश को एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की सलाह दी। रमेश ने भी पूरी लगन से छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी की और उसे पास कर लिया। छात्रवृत्ति की मदद से रमेश शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने में सफल हुआ। वहाँ की सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने रमेश की प्रतिभा को और निखारा।
उसने हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंततः एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। रमेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत और संकल्प से एक नया मुकाम हासिल किया। वह न केवल अपने परिवार का सहारा बना बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। अब रमेश एक सफल शिक्षक है और उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला है जहां वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत सच्ची हो और हमारे इरादे पक्के हों तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। शिक्षा का असली मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून होना चाहिए। रमेश ने यह साबित कर दिखाया कि सही मायने में शिक्षा ही असली शक्ति है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम मेहनत करें और परिश्रम करें और आगे बढ़ने के लिए अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें तो हम सफल बन सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।